तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 में रिलीज हुई फिल्म कर्णन का। इसमें मेन लीड हीरो हैं धनुष और आईएमडीबी पर इसकी रेटिंग है 8.5 जो कि काफी सही है। तो मूवी की शुरुआत होती है, रोड पर एक बच्ची पड़ी हुई होती है, उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है, वो तड़प रही होती है और उसके अगल बगल से गाड़ियां आ जा रही होती हैं, पर उसके लिए कोई भी नहीं रुकती। फिर उसी लड़की में एक मास्क लगा हुआ दिखाया जाता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। फिर उसके बाद एक पुलिस बस को दिखाया जाता है जिसमें कि कर्णन को ले जा रहे होते हैं। उसके पैरों में खून लगा होता है और हाथ बंधे हुए होते हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी का खून किया हो। फिर सीन वहां से कट होता है और कर्णन के घर को दिखाया जाता है। कर्णन की एक बहन होती है जो कि वही सारा घर का काम कर रही होती है और कर्णन कुछ भी नहीं करता। कर्णन को एक पूजा में जाना होता है, वो पूजा उस गाँव में हर साल मनाई जाती है। उसमें एक रस्म होती है जिसमें एक बड़ी सी मछली को उछाला जाता है और हवा में ही उसे काटना होता है। जो ऐसा कर लेता है उसे बहुत सम्मान दिया जाता है और गांव वाले उसकी हर बात मानते हैं। तो वहां पर एक गांव का आदमी दुर्योधन ये रस्म करने वाला था, तभी वहां पर कर्णन के दादाजी यमन आ जाते हैं और उसे तलवार लेकर कर्णन को दे देते हैं। कर्णन की अपने दादाजी से काफी अच्छे से बनती थी, एक दोस्त की तरह रहते थे वो दोनों। फिर कर्णन तलवार लेकर उस फिश को काट देता है और फिर गाने बाजे के साथ हाथी पर बैठा के कर्णन को गाँव तक ले जाते हैं। तभी वहां एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम द्रौपदी होता है, जो कि कर्णन से प्यार करती है और वो दुर्योधन की बहन होती है। द्रौपदी की एक दोस्त भी होती है जो शहर में जाकर पढ़ाई करती है। अब इस गांव की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि गांव में कोई भी बस स्टॉप नहीं होता है और इसी टॉपिक के इर्द गिर्द ही ये पूरी मूवी बनी है। तो द्रौपदी की फ्रेंड पूजल बस पकड़ने के लिए अपने पिताजी के साथ रोड पर जाती है, लेकिन उनके गांव में बस स्टॉप ना होने के कारण वो बगल वाले गांव के बस स्टॉप में जाके बस का इंतजार कर रहे होते हैं। जिस गांव का बस स्टॉप था उस गांव से इनकी सबकी लड़ाई हो रखी थी। तभी वहां उसी गांव के कुछ मंचले आ जाते हैं और दीवार पर अपनी गंदी कलाकारी दिखाने लग जाते हैं, जिस पर पूजल के पिता भड़क जाते हैं और उनसे मारपीट करने लग जाते हैं और वो बदमाश मंचले उसके पिताजी को बहुत मारते हैं। तभी वहां उसी गांव के लोग आकर उन्हें बचाते हैं, तब पूजल और उसके पिताजी वापस गांव चले जाते हैं। फिर वो सारी बातें गांव में आकर बता देते हैं। ये सब सुनकर कर्णन को बहुत गुस्सा आता है, वो उन मंचलों को मारने के लिए निकल जाता है और उन लोगों को गिरा गिरा कर मारता है। फिर ये सब होने के बाद गांव में पंचायत लगती है, जिस पर कुछ गांव वाले कर्णन को डांटते हैं ये कहकर कि दूसरे गांव के लोगों से मारपीट करके दुश्मनी और बढ़ा ली है। दुर्योधन और कुछ लोग कर्णन से चिढ़ते हैं इसलिए वो उसको ऐसे बोलते हैं, पर गांव के मुखिया उस लड़की की इज्जत बचाने के लिए कर्णन को शाबाशी देते हैं। अगले दिन देखता है कि पूजल स्कूल पढ़ने के लिए नहीं गई होती है, तो उसके पूछने पे बोलती है कि कल जो हुआ उसके बाद वो जाना नहीं चाहती। फिर उसके बाद देखते हैं कि कर्णन यमन से पैसे मांगता है जुआ खेलने के लिए, पर उसके पास पैसे होते नहीं। लेकिन वो कर्णन से प्यार करता है तो वो अपनी सिस्टर इन लॉ से पैसे चुरा कर उसे दे देता है और वो दोनों जुआ खेलकर काफी पैसा कमा लेते हैं। फिर कर्णन घर आ जाता है जहां उसकी बहन उन पैसों को गुल्लक में डाल रही होती है, तो उसकी माँ गुस्सा होती है और बोलती है कि जुआ खेल के आए पैसे घर में लेकर क्यों आया। अगले दिन कर्णन का CRPF का टेस्ट रहता है जिसमें कि कर्णन पास भी हो जाता है, जिससे कि गांव वाले बहुत खुश होते हैं क्योंकि गांव से पहला इंसान वो रहता है जो कि सरकारी नौकरी के लिए जा रहा होता है। तभी वो लोग गांव वापस जाने के लिए बस लेते हैं जिसमें कि द्रौपदी भी मिल जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं पर कभी बोल नहीं पाते। तो कर्णन यमन से कहता है कि उससे पूछ के आए कि उसने टिकट ले लिया है या नहीं, अगर नहीं लिया तो फिर मैं ले लूंगा। तो यमन जाता है पूछने पर उसने टिकट ले लिया होता है, लेकिन बगल वाले गाँव मेलूर का, क्योंकि उसके गाँव में तो बस ही नहीं रुकती थी। पर कर्णन कंडक्टर से अपने गांव का टिकट मांगता है पर कंडक्टर उसे टिकट नहीं देता। तब कर्णन उससे झगड़ा करने लगता है और कंडक्टर उसके गांव की बेइज्जती कर देता है। तब यमन उसे शांत कराता है। जब उसका गांव आ जाता है तो कर्णन जोर जोर से बस रोकने के लिए चिल्लाने लगता है, बस को पीटने लगता है लेकिन बस नहीं रुकती, तो वो बस से छलांग लगा देता है। तब बस रुक जाती है और सब गांव वाले नीचे उतर के उसके पास आ जाते हैं। तब कर्णन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर द्रौपदी उसके पास जाती है और उसे माथे पर किस करती है, उनके बीच प्यार बढ़ने लगता है और दोनों में काफी करीबी आ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कर्णन के पिता को एक लड़की मास्क लगाकर मिलती है और वो बताती है कि उसने अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए पैसे जमा करके रखे हैं और वो घर में जमीन के अंदर गाड़े हुए हैं, उसे निकाल लो।
फिर पता चलता है कि वो लड़की कर्णन के पिता के सपने में आकर ये सब बोलती है, तो उसके पिता फोर्स करने लगते हैं खोदने के लिए। तब कर्णन कमरे में खुदाई करता है तो वो एक गुल्लक मिलता है जिसमें कि चिल्लर पैसे पड़े होते हैं। ये देखकर उसकी माँ रोने लगती है कि उसकी बेटी मरने से पहले पैसे छोड़ के गई थी। जो स्टार्टिंग में हमें एक छोटी लड़की रोड पर तड़पते हुए दिखाई गई थी, वो कर्णन की छोटी बहन होती है जिसे शायद कोई बीमारी होती है और किसी बस के ना रुकने की वजह से वो मर गई थी। इतना सब देखने के बाद फिर कर्णन भी रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कर्णन और दुर्योधन जुआ खेल रहे होते हैं। तभी दुर्योधन कर्णन की बड़ी बहन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है, तो कर्णन गुस्से में आके उसे बहुत मारता है। फिर नेक्स्ट डे वो एक बच्चे से झूठ बोलकर द्रौपदी को बुलवाता है, पर द्रौपदी उससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसने उसके भाई को मारा होता है। और कर्णन उसे समझाने की कोशिश करता है पर द्रौपदी कुछ भी नहीं सुनती। इस पर उन दोनों की बहस हो जाती है और कर्णन उसे धक्का मारकर वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गांव में एक फंक्शन होता है जहां पर कर्णन खूब दारू पीता है और नशे में नाचता है। इस पर अगले दिन गुस्से में कर्णन की बहन यमन से आकर पूछती है कि कल कर्णन को क्या हुआ था। पहले तो वो मना करते हैं पर बहन के फोर्स करने पर बताते हैं कि कल उसका द्रौपदी से झगड़ा हुआ था जिसके चक्कर में उसने दारू पी थी। ये सुनकर उसकी बहन घर जाती है और कर्णन को मारने लगती है और खूब सुनाती है कि इतना बड़ा होकर भी कुछ नहीं करता, अब दारू पीने लगा है, मुझे ही घर संभालना होता है, मैं चली जाऊंगी तो खाना भी नसीब नहीं होगा तुम्हें। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि यमन कर्णन को पास के गांव में चलने को कहता है क्योंकि वहां उसके और उसके दुश्मन गांव के बीच कबड्डी का मैच हो रहा होता है, लेकिन कर्णन जाने को मना कर देता है। पर थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाता है और यमन के मनाने के बाद वो ग्राउंड में उतर आता है, लेकिन गेम का रेफरी दुश्मन गांव से मिला होता है और वो चीटिंग कर रहा होता है। तभी कर्णन का उन लोगों से झगड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद यमन कर्णन को गांव में जाने बोलता है। गांव के रास्ते पर एक फैमिली बस का इंतजार कर रही होती है, उसमें से एक औरत प्रेग्नेंट होती है लेकिन कोई भी बस वाला नहीं रोक रहा होता है। तभी यमन उनके पास जाते हैं और बस रोकने की कोशिश करते हैं पर ड्राइवर बस नहीं रोकता, तो प्रेग्नेंट औरत का बेटा गुस्से में आकर पत्थर फेंक कर उस बस का कांच तोड़ देता है और तब बस रुक जाती है। तभी बस से काफी लोग उतर कर आते हैं और वो दादाजी और पूरे परिवार को मारने लगते हैं। फिर वहां पे कर्णन आ जाता है, उसे बहुत गुस्सा आती है, वो वहां पड़ी हुई लकड़ी के डंडे को उठाता है और उस बस के कांच को तोड़ने लगता है। तभी वो सब उसको मारने आते हैं, कर्णन उन सबको अच्छे से धोता है, धोना ही चाहिए था, एक प्रेग्नेंट लेडी को मार रहे थे, बस को भी अच्छे से तोड़ फोड़ देता है। ये सब नजारा एक दूर खड़ी बच्ची जिसके मुंह पर मास्क होता है वो देख रही होती है, वो कर्णन की बहन ही होती है। और यहाँ से मूवी अलग ही टर्न ले लेती है। गांव में पंचायत लगती है और अब सबको पता होता है कि पुलिस जरूर आएगी। सब कर्णन के साथ नहीं होते हैं पर बाद में गांव का मुखिया सबको मना लेता है और ये फैसला करते हैं सब लोग मिलकर कि पुलिस को कोई भी नहीं बताएगा कि बस किसने तोड़ी। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे पुलिस आ जाती है और पूछताछ करने लगती है। पुलिस इंस्पेक्टर बहुत गंदा होता है, वो सबसे नाम पूछता है तो सबके नाम अच्छे अच्छे होते हैं जैसे कि अभिमन्यु, दुर्योधन, तो ये नाम सुन के इंस्पेक्टर खुन्नस खाने लगता है कि इतने गरीब लोगों के इतने अच्छे नाम कैसे, पर वो उस टाइम चुप रहता है। फिर वो मुखिया से पगड़ी उतारने को बोलता है पर वो पगड़ी नहीं उतारते। गांव वाले कहते हैं कि मुखिया पगड़ी कभी नहीं उतारता। ये सब सुनकर पुलिस वाले की और किलस रही थी क्योंकि उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था। तब वो फिर से सबसे बस तोड़ने वालों का नाम पूछता है लेकिन गांव वालों ने उन सबको छुपा दिया होता है। फिर तभी बस कंडक्टर को वो बच्चा दिख जाता है जिसने बस में पत्थर फेंका था, तब पुलिस उसे उठा लेती है और मारने लगती है। ये देखकर दुर्योधन सबको बाहर बुलाने के लिए बोलता है और फिर कर्णन और उसके सारे साथी बाहर आ जाते हैं। तब पुलिस कर्णन को थप्पड़ मारती है और उसे ले जाने लगते हैं। तभी गांव वाले एक हो जाते हैं और कर्णन को छोड़ने के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी बस उन्हें डर जाता है ये सोचकर कि सब गांव एक हो गए तो उसका बिजनेस चौपट हो जाएगा और वो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाता है। वो गांव वालों से कहता है कि तुम्हारे गांव में बस स्टॉप ही नहीं है इसलिए वहां पर बस नहीं रुकी थी, लेकिन अब से बस दिन में एक टाइम पर रुका करेगी। ये सुनकर सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं। केस यहाँ पे खत्म हो जाता है पर पुलिस वाले को चैन नहीं मिलता, इसलिए वो गांव के कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाता है साइन कराने के लिए। उसमें दुर्योधन, गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्ग लोग शामिल होते हैं। वो सारे दिन स्टेशन में खड़े रहते हैं जिससे कि उनके पैरों में दर्द भी होने लगता है, पर उन्हें बैठने को कोई भी नहीं पूछता। फिर ऐसे ही पूरी रात गुजर जाती है और अगले दिन उनके परिवार वाले कर्णन के पास आकर बताते हैं कि वो लोग पुलिस स्टेशन गए थे और अभी तक वापिस नहीं आए। फिर कर्णन दादाजी और कुछ लोगों को ट्रैक्टर में बैठा कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पुलिस उन्हें अंदर नहीं जाने देती और भगा देती है।
कर्नन पुलिस स्टेशन के बाहर टी स्टॉल पर बैठकर इंस्पेक्टर का वेट करने लगता है। तभी वहां बर्तन धो रहे बच्चे से उन सब के बारे में पूछता है। फिर वो बच्चा बताता है कि जब वो कल पुलिस स्टेशन चाय देने गया था तो वो लोग वहां ही थे और वो दिन भर से वहीं खड़े हुए थे। फिर वहां पुलिस इंस्पेक्टर आता है तो वो लोग जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन पुलिस वाला उन सबको रोके रहता है। फिर उनके जाने के लिए फोर्स करने पर इंस्पेक्टर उन सबको बेरहमी से मारना शुरू कर देता है। उसमें से काफी ज्यादा लोग बूढ़े बुजुर्ग थे, लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए तब भी उनको बहुत मारता है। वहां पे खड़े सारे पुलिस वाले ये देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके आगे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। तरिंदा पुलिस इंस्पेक्टर वो उन लोगों को बेदर्दी से मारता रहा और अधमरा कर दिया। ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल है। ये सब सुनकर कर्नन को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे पुलिस स्टेशन में घुसकर सबको मारना चालू कर देता है और वहां सारे पुलिस वाले को भगा देता है। फिर पुलिस स्टेशन को तहस नहस भी कर देता है। काफी ज्यादा ढूंढने के बाद कर्नन को पता चलता है कि इंस्पेक्टर ने इन लोगों को छत पर फेंकवा दिया था। कर्नन उन सबको लेकर गाँव चला जाता है। गाँव में मुखिया अपने आप को मारने की कोशिश करता है क्योंकि उनको अपनी बेइज्जती देखी नहीं जाती, लेकिन कर्नन उसे ऐसा करने से रोक लेता है। सब लोग गाँव में डरे सहमे रहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि अब पूरी पुलिस की फौज आएगी हमला करने के लिए। लेकिन वहीं कर्नन उन सबकी हिम्मत को बांधता है और हौसला बढ़ाता है और पूरे गाँव वाले पुलिस फोर्स से सामना करने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। वो लोग रात भर जागते हैं ये सोचकर कि पुलिस वाले रात में अटैक करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर अगली सुबह एक पोस्टमैन लेटर लेके आता है जो कर्नन के लिए होता है। वो लेटर सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग के लिए होता है। लेटर देख के दादाजी बहुत खुश होते हैं, लेकिन कर्नन को कोई भी खुशी नहीं होती है। दादाजी और कर्नन का पूरा परिवार चाहता है कि वो नौकरी करने जाए, यहाँ पर ना रुके, लेकिन कर्नन नहीं सुन रहा होता है क्योंकि पुलिस वाले कभी भी गाँव में हमला कर सकते हैं और तहस नहस कर सकते हैं। पर सभी के विनती करने पर कर्नन जाने के लिए मान जाता है और वो अपने पिताजी के साथ चला जाता है। तभी वहां पर वो दरिंदा इंस्पेक्टर कलेक्टर और पुलिस फोर्स को लेकर आ जाता है। कलेक्टर पहले बातचीत से सब सुलझाने को कहता है, पर इंस्पेक्टर कलेक्टर को समझा देता है कि ये लोग बहुत खतरनाक हैं, बातों से नहीं मानेंगे। फिर इंस्पेक्टर अपनी फोर्स लेके अंदर घुसना चालू कर देता है और वहां पे पुलिस फोर्स गांव वालों पर हमला कर देती है और बिना औरत बच्चा बूढ़ा देखे बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। इस सीन को जब आप देखेंगे तो यही सोचेंगे, काश मैं होता, कुछ कर पाता इन लोगों के लिए। क्योंकि इस तरह से इस इमोशनल सीन को बनाया गया है कि आप उसे कनेक्ट हो जाते हैं। वहां सब मारे जा रहे थे, पूरे गांव में बस चीखें सुनाई दे रही थी। ये सब मंजर दादाजी से नहीं देखा जा रहा था क्योंकि वो लोगों को मरता हुआ देख रहे थे और कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर उनको पेट्रोल का डब्बा दिखता है। वो अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को ही आग लगा लेते हैं और जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें कोई भी नहीं बचा पाता। उन्होंने ये सब रोकने के लिए खुद का बलिदान दे दिया होता है। उधर कर्नन को एहसास हो जाता है कि गांव में कुछ गलत हो रहा है, पर पिताजी इसे रोकने लगते हैं और गांव जाने से मना करते हैं। लेकिन तभी वहां पे घोड़े पे बैठकर एक लड़का आता है और वो बताता है कि दादाजी मर गए, उन्होंने मार डाला है। ये सब सुनकर कर्नन की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो फिर अपनी तरह लेकर गांव की तरफ जाने लगता है। गांव में पहुंच के वो देखता है कि चारों ओर लोग जख्मी हालत में पड़े हुए हैं और वहीं पे दादाजी की जली हुई डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी। ये देखकर कर्नन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो पुलिस वालों को मारना चालू कर देता है। फिर वो इंस्पेक्टर को पकड़ लेता है और तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। तब सारे पुलिस वाले रुक जाते हैं और गांव वाले चिल्लाते हैं कि इसे छोड़ना नहीं, मार डालो। तब कर्नन इंस्पेक्टर को एक रूम में ले जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, जहां पर उन दोनों की काफी लड़ाई होती है। पर एट द एंड कर्नन इंस्पेक्टर का गला काट डालता है, जिसकी वजह से कर्नन को 10 साल की सजा होती है। जो स्टार्टिंग में हमें कर्नन का सीन दिखाया गया होता है वो इसी टाइम का होता है। फिर 10 साल बाद कर्नन अपने गांव वापस आता है। वहां पे दुर्योधन और बाकी लोगों की मौत हो चुकी होती है। फिर वहां पर कर्नन के वापस गांव आने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं और नाचने लगते हैं। वहीं पे दूर कर्नन की बहन जो मर चुकी थी वो ताली बजा रही होती है और फिर थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाई गई है। 1995 में तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में वायलेंस हुए थे, वहीं से मूवी की स्टोरी को लिया गया है। अगर बात करें इस मूवी की तो इस मूवी में धनुष ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और इसका बैकग्राउंड स्कोर, इसके गाने बहुत ही अच्छे हैं। जो भी इमोशनल हो रहे थे, जो भी इमोशन थे उसके,
वो पता चल रहे थे गाने की वजह से। इस मूवी से रिलेटेड बहुत सी बातें हैं, जैसे कि उस मास्क का क्या मतलब होता है, मूवी में इतने सारे जानवर क्यों दिखाए गए हैं, ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसे बताने पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आपको ये जानना है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर बता दीजिए, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और हाँ, वीडियो आप तक पहुंच जाए इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।